वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी एसवाई का चैप्टर, कौन सा है? नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट हो। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, नाइट्रो, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। तो आज इसका नोमेनक्लेचर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, साथ में जहां पर कॉमन नेम्स आते हैं उनके क्या रूल्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज, आप लोगों ने अब तक आयुपैक नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आपको पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करके पहले देखना है वीडियो, फिर यहां पर आना है। तो वहां पर मैंने ये जो आयुपैक का फॉर्मूला है जो कि 5 कंपोनेंट से बना है, वो क्या है? प्रेफिक्स, इनफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, वो डिटेल में डिस्कस किया है कि कहां पर क्या आता है। यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ लोग इसको प्रेफिक्स को सेकेंडरी प्रेफिक्स बोलते हैं और इनफिक्स को प्राइमरी प्रेफिक्स बोलते हैं। अब बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल में हमें रूट वर्ड सिलेक्ट करना होता है। मान लो एक ही कार्बन है तो हम उसके लिए लिखेंगे मिथ, दो कार्बन है तो उसके लिए हम लिखेंगे इथ, ऐसे ही प्रोप, ब्यूट, पैंट, हैग्स लिखते जाएंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखना है? तो सेचुरेशन अनसेचुरेशन के हिसाब से लिखना है। अगर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम यहां पर लिखेंगे एन, अगर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो हम लिखेंगे इन, अगर एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम लिखेंगे आयन। सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लिखेंगे? तो बहुत बड़ा लिस्ट है ना। आज मैं डिस्कस कौन सा करूंगा, सबसे पहले हम अमाइंस का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। अमाइंस, तो अमाइंस के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? अमाइन। क्या लिखेंगे? अमाइन। फिर अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो यहां प्राइमरी प्रेफिक्स या फिर इनफिक्स की जगह पे हम लिख देंगे साइक्लो। प्रेफिक्स, तो यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 ग्रुप है जो ऑलवेज प्रेफिक्स की जगह पे लिखे जाते हैं, वो कौन सा है? एक है आर, अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। एक है ओ आर, अल्कोक्सी, मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी। एक है एक्स, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और एक है नाइट्रो ग्रुप। तो हम नाइट्रो का भी नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो नाइट्रो को ऑलवेज हम कहां लिखेंगे? प्रेफिक्स की जगह पे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और पता करते हैं कि इसका नाम क्या बनेगा। जैसे कि मान लो आपको यहां पर दिया गया है CH3NH2, इसका नाम लिखना है। तो यहां पर कार्बन कितने हैं? एक ही है तो इसका नाम क्या बनेगा? मिथ। फिर कार्बन एक ही है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन कार्बन के बीच, लगा दो एन। और लास्ट में क्या लगाऊंगा मैं इसके लिए? अमाइन। तो ये बन गया इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर। अब ग्रामर का एक रूल है, क्या रूल है? कि अगर सेकेंडरी सफिक्स ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट वाला ई है वो निकल जाएगा, तो इसको हम निकाल देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा मिथ एन अमाइन या फिर मिथ एन अमाइन। क्लियर? तो रूल क्या बना यहां आयुपैक के लिए? आयुपैक नाम लिखा है मैंने, आयुपैक के लिए रूल क्या बना? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इन जनरल उसको बोलते हैं हम आल्केन। तो ये बन गया आल्केन प्लस लगा दो अमाइन। तो ये इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर बन गया। अब कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे हम? कॉमन, तो कॉमन में इसके लिए CH3 ग्रुप है तो हम क्या लिखते हैं? मिथाइल, है ना, इथाइल। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में इसके लिए लिखा जाता है अल्काइल अमाइन। क्या लिखना है? अल्काइल अमाइन। क्या लिखूंगा इसके लिए नाम मैं? मिथाइल अमाइन। बिल्कुल सिंपल। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लो आपको दिया गया है CH3 CH2 NH2, कितने कार्बन? 2। क्या लिखना है? इथ, फिर एन, फिर अमाइन। तो इसका नाम बन गया इथेनामाइन। इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। बिल्कुल सिंपल।
चलो तो अब कार्बन तीन कर देते हैं यहां पर, CH3 CH2 CH2 NH2। कितने कार्बन है? 1 2 3। क्या लिखूंगा मैं? प्रोप एन अमाइन, ई निकाल रहा हूं मैं, तो इसका नाम बन गया प्रोपेन अमाइन, उसका नाम क्या बनेगा? प्रोपाइल अमाइन। लेकिन तीन कार्बन आते हैं तब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच है NH2 का, या फिर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है। अगर ये नाइट्रोजन इसके साथ अटैच है तो ये तीनों कार्बन एक ही चेन में है। मैं क्या बोलता हूं इसके लिए कि आप तीन को पकड़ो, एक लॉन्ग चेन बना रहा है, तो इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। तो ऐसे स्मॉल एन लिखते हैं, फिर कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल। तो ये बन गया नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन। क्लियर? चलो यहां पर थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पर लगा दिया मैंने CH3, यहां पर नीचे CH3, यहां पर NH2। इसका एक वैलेंसी बाकी है तो यहां पर लगा दो हाइड्रोजन। अब आप देखो यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3। मतलब रूट वर्ड आयुपेक में क्या लिखना है? प्रोप। चलो लिख दो प्रोप। फिर कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड है तो मैं लिख दूंगा एन, और लास्ट वाला ई निकाल दूंगा, लास्ट वाला ई निकाल दूंगा, और इसके लिए क्या लिखूंगा? अमाइन। लेकिन ये ग्रुप इन सभी में एक नंबर पे था, यहां पर इसको नंबर वन दो या फिर इसको, चलो इसको नंबर वन दे दिया, तो ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा। ये दो नंबर का कार्बन है उसके ऊपर अमाइन ग्रुप है, तो लिख दो 2 अमाइन। क्लियर? ये बन गया आयुपेक। अब कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या करना है, यहां पर जितने भी कार्बन है उनको हम इंक्लूड करेंगे कॉमन में। तो यहां पर तीन कार्बन है तो इसके लिए मैं लिखने वाला हूं प्रोपाइल। अब ये नॉर्मल प्रोपाइल था, ये प्रोपाइल है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में बच्चे गलती कहां पर करते? तो आइसोप्रोपाइल में तीन कार्बन है, ये कार्बन को आप ध्यान से देखो, तो इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ दूसरा मिथाइल अटैच है, और इस कार्बन के साथ तीसरा हाइड्रोजन अटैच है। तो आपको देखना है ध्यान से, ऐसा एक कार्बन होगा जिसके साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है और उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तब आप वर्ड यूज कर सकते हो आइसो। तो इसके लिए नाम क्या बनेगा? आइसो प्रोपाइल अमाइन। क्लियर? चलो अब ये फॉर्मूला मैं निकाल देता हूं। आपको याद रह गया होगा कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर लिखना है इनफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स, और बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं। चलो यहां तक हमने सिर्फ तीन कार्बन लिए थे, अब चार कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4, इसके साथ लगा दो NH2 ग्रुप। क्लियर? फिर चार कार्बन में से तीन कार्बन को मैं एक चेन में लिख रहा हूं, यहां पर एक कार्बन जोड़ दिया, फिर चलो ये निकाल दो, अभी यहां पर हम आयुपेक लिखेंगे और लास्ट में कॉमन लिखेंगे। पहले इन दोनों का नाम आप देखो क्या बनेगा आयुपेक में, फिर इसका कॉमन नेम देखेंगे। चलो यहां पर चार कार्बन, 1 2 3 4 नंबरिंग देंगे, तो 1 इसको देंगे, 1 के ऊपर अमाइन है तो नंबर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तो लिख दूं क्या? चार कार्बन ब्यूट, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन और अमाइन, तो ये है ब्यूटेन अमाइन। यहां पर टोटल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करनी है कि आप सभी कार्बन को टच कर सको। अब यहां नीचे जाना है और वापस ऊपर आना है, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर तीन कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन है, इसके साथ NH2 ग्रुप, तो इसका नाम क्या लिखना है मुझे? 1 2 3 के लिए प्रोप, फिर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर अमाइन,
ध्यान से देखो, ये मैंने प्रोपेन अमाइन लिखा। प्रोपेन अमाइन नाम किसका बना? सिर्फ इसका, तीन कार्बन वाला। अब ये तो बाकी रह गया ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? CH3। कौन से नंबर पे है? तो नंबरिंग दे दो, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये वन नंबर, ये टू और थ्री। तो टू के ऊपर एक कार्बन है, ये वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, CH3 बनेगा। ये CH3, ये CH, ये CH2। तो ये ग्रुप कौन सा बना? मिथाइल। कौन से नंबर पे? टू के ऊपर। तो प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है टू मिथाइल। इनफिक्स तो कुछ है नहीं, ये रूट वर्ड बन गया प्रोप, फिर एन प्राइमरी सफिक्स और अमाइन सेकेंडरी सफिक्स बन गया। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। यहाँ पर चार कार्बन, यहाँ पर चार कार्बन, यहाँ पर मैं चार कार्बन ऐसे लगा देता हूँ, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर लगा दिया NH2 ग्रुप। अब इसका आयोपेक नोमेनक्लेचर एक बार देखो, अब क्या बनेगा? ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करो, कितने कार्बन की बन रही है, देख लिया? चलो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3, तीन कार्बन वाली मैक्सिमम बन रही है। चलो इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग दे दो, ऊपर या नीचे किसी को भी नंबर वन दे दो, बीच वाले कार्बन को दो ही मिलेगा। और इसके ऊपर एक ग्रुप है मिथाइल, तो मिथाइल को हम फॉर्मूला में कहाँ पर लिखते हैं? प्रेफिक्स की जगह पर। इसके लिए अमाइन लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? टू मिथाइल, प्रेफिक्स टू मिथाइल, फिर इनफिक्स तो है नहीं, साइक्लिक नहीं है इसीलिए। फिर तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखूंगा? प्रोप, फिर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन प्रोप एन, और इसके लिए अमाइन, लेकिन कौन से नंबर पे? दो नंबर पे। तो ये बन गया टू अमाइन। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पर चार कार्बन ऐसे थे, CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, दो तीन चार कार्बन, यहां पर मैं लगा देता हूं NH2 CH3, ये बनेगा CH, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH3। अब आप ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 1 2 3 4। क्या नाम लिखेंगे हम? ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, इसके लिए क्या लिखना है? अमाइन। नंबरिंग दे दो, यहां से दो, 1 2 3 के ऊपर अमाइन, यहां पर 1 और 2 के ऊपर अमाइन। तो राइट साइड से नंबरिंग देनी है, वो सही है हमारी। क्लियर? 2 अमाइन। इन सभी के आयुपेक नोमेनक्लेचर तो बिल्कुल ही इजी है। अब कॉमन नोमेनक्लेचर में गलती कर देते बच्चे, क्या करना है? यहां पर चार कार्बन है स्ट्रेट चेन में है, उसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है, क्या लिखूंगा मैं? नॉर्मल अल्काइल लिखना है, तो ब्यूटाइल अमाइन, ये बन गया इसका कॉमन नोमेनक्लेचर। इसके लिए आप ध्यान से देखो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है, ये कार्बन यहां पर एक मिथाइल से अटैच है, ये कार्बन दूसरे मिथाइल से अटैच है। क्या बोला था मैंने? एक कार्बन डायरेक्टली दो मिथाइल और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो उसके लिए आइसो वर्ड यूज करेंगे। अब यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं? चार, 1 2 3 4, और इसके लिए आइसो यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा? आइसो ब्यूटाइल अमाइन, आइसो ब्यूटाइल अमाइन। क्लियर? चलो यहां पर कॉमन नेम लिखना है, टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4, क्या लिखूंगा मैं? ब्यूटाइल। तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल है या नहीं है? नॉर्मल तो ये है, ये आइसो है या नहीं है? तो आइसो के लिए क्या देखना है? एक कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे और एक हाइड्रोजन होंगे, लेकिन यहां पर एक कार्बन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब ऐसा आ जाए तो इस कार्बन को आप ध्यान से देखो, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक दो और तीन कार्बन के साथ। तो ये कार्बन कौन सा है? टर्शियरी कार्बन है ये,
तो इसके लिए लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, TERT टर्ट, फिर लिखते हैं डैश और लिखते हैं ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये, टर्सरी ब्यूटाइल, और लास्ट में क्या लिखना है, अमाइन। चलो इसके लिए, इसके लिए चार कार्बन है तो मैं ब्यूटाइल लिखूंगा कॉमन नोमेनक्लेचर में। अब इसमें ये कार्बन जो है ये यहाँ पर अटैच है CH3 से, यहाँ पर CH2 से अटैच है और यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच है। अगर ये कार्बन यहाँ पर CH3 से अटैच होता तो मैं लिख देता आइसो, लेकिन ये आइसो नहीं है, ये भी आइसो नहीं था। मैंने क्या देखा आइसो नहीं था, तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1, 2, 3 के साथ, तो इसको टर्सरी बोल दिया। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 और 2, तो ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेकेंडरी, सेक SEC, फिर डैश और लगा दो ब्यूटाइल, तो इसका नाम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। क्लियर? अब तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए सभी एग्जांपल में एक चीज कॉमन थी, और वो थी मैंने सभी में ग्रुप जो लिया वो NH2 ग्रुप लिया था, NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप है मतलब ये अमाइन कौन सा है, तो अमाइन का नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अमाइन है। देखो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक, तो ये नाइट्रोजन प्राइमरी है। ये नाइट्रोजन भी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच, ये भी प्राइमरी। ये नाइट्रोजन भी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच, ये भी प्राइमरी। अब सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो CH3 CH2 N यहाँ पर H और इस तरफ CH3 दिया गया है। तो IUPAC क्या बोलता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, यहाँ पर कितने कार्बन, एक, यहाँ पर कितने कार्बन, दो, तो ये मेरा मेन चेन बन गया, लॉन्गेस्ट चेन। इसके लिए वर्ड क्या लिखना है, क्या लिखना है, इथ, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, इसके लिए अमाइन, लेकिन ये तो बाकी रह गया मिथाइल ग्रुप। तो अब इस मिथाइल को मैं कहां पर लिखूंगा, प्रेफिक्स की जगह पे। क्लियर? अब नंबरिंग दे दो, तो ये नाइट्रोजन जिसके साथ अटैच है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ये 1 और 2 के ऊपर आया। इस मिथाइल को कुछ नंबर मिला, नहीं मिला, ये किसके साथ डायरेक्टली अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, तो हम इसका नाम प्रेफिक्स की जगह पे लिखेंगे, लेकिन ये अटैच है नाइट्रोजन के साथ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा N कैपिटल, फिर लिख दो मिथाइल। ये N मिथाइल का मतलब है CH3 ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। अब दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखना है, इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहां पर अमाइन ग्रुप है सेकेंडरी अमाइन, तो नाम क्या लिखूंगा मैं, अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। इसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर लिखना है, तो कॉमन नोमेनक्लेचर में हम क्या लिखते हैं, अल्काइल अमाइन, तो ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये अल्काइल है मिथाइल, ये अल्काइल है इथाइल, दोनों अलग अलग है। तो अल्फाबेट में जो फर्स्ट आता है उसको हम पहले लिखेंगे, पहले कौन आएगा, इथाइल, तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर में नाम ऐसा बनेगा, इथाइल फिर मिथाइल फिर अमाइन। क्लियर? चलो और एक टर्सरी अमाइन का एग्जांपल ले लेते हैं। टर्सरी अमाइन किसको बोलेंगे, नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो अब ध्यान से देखो ये नाइट्रोजन यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये कौन सा है, टर्सरी अमाइन। अब नंबरिंग देंगे हम, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, यहां पर 1 कार्बन, यहां पर भी 1 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया। अब नंबरिंग देनी और इस नाइट्रोजन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको मैं नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूंगा। अब इस नाइट्रोजन के साथ अटैच क्या है, मिथाइल, कहां पर लिखूंगा, प्रेफिक्स की जगह पर, इसके साथ भी मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल N कोमा N, फिर डैश और लिख दो डाई
मिथाइल, सॉरी एन एन डाई मिथाइल, वो बन गया हमारा प्रेफिक्स। अब इसके लिए रूट वर्ड दो कार्बन है, क्या लिखूंगा मैं? इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। वहां पर लिखना है तो अल्काइल अमाइन लिखना है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? डाई मिथाइल, इसके लिए इथाइल। तो आईयूपीएसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब देखेंगे तब इसके लिए इथाइल ही कंसिडर करेंगे और इसके लिए मिथाइल ही कंसिडर करेंगे, डाई जो लगाया उसको आयुपेक में कंसिडर नहीं करते। तो पहले किसको लिखूंगा? इथाइल को। चलो तो कॉमन नोमेनक्लेचर में लिख दो इथाइल पहले, फिर डाई मिथाइल, तो ये आ गया इथाइल, ये डाई मिथाइल आ गया। अब ये बचा नाइट्रोजन वाला, क्या लिखूंगा उसके लिए? अमाइन। तो ये बन गया कॉमन नोमेनक्लेचर, क्लियर? तो ऐसे ही आप किसी भी अमाइन को नाम दे सकते हो। अब ये अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हम समझ चुके हैं। दूसरा, ये अमाइन जो था उसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है नहीं है, तो ये सभी एग्जांपल्स को हम बोलेंगे एलिफेटिक अमाइन्स। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक अमाइन्स। तो ये जो हमने नोमेनक्लेचर देखा ये एलिफेटिक अमाइन्स का नोमेनक्लेचर था। अब एरोमेटिक अमाइन्स का नोमेनक्लेचर देखना है, लेकिन उससे पहले एलिफेटिक में कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये नोमेनक्लेचर किसका है? एलिफेटिक अमाइन्स। चलो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो एक ही मॉलिक्यूल में दो NH2 ग्रुप है तो नाम कैसे देंगे हम? एक मॉलिक्यूल में दो NH2 ग्रुप है, नाम कैसे लिखेंगे? तो NH2 के लिए क्या लिखते हैं? अमाइन। दो है तो क्या लिखेंगे? डाई अमाइन। उससे पहले उसका नंबर लिखना भी तो जरूरी है, तो चलो इसको नंबर दे दो। ये भी अमाइन, ये भी अमाइन, किसी को भी मैं नंबर वन दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम क्या बनेगा? दो कार्बन के लिए आयुपेक बनाना है मुझे, इथ, फिर लिख दो एन। अब ध्यान से देखो, वन के ऊपर अमीनो अमाइन, टू के ऊपर भी अमाइन, तो मैं क्या लिखूंगा? वन कोमा टू, फिर लिखूंगा डाई अमाइन। ये प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स जो है कहां से शुरू हुआ? डी से। तो ग्रामर क्या बोलता है? यहां पर जो लास्ट में ई है एज इट इज रहेगा, उसको निकालना नहीं है। तो इसका नाम बन गया अल्केन डाई अमाइन, अल्केन डाई अमाइन। मान लो अमाइन तीन है, तीन अमाइन है, क्या लिखूंगा मैं नाम? ट्राई अमाइन। चार है, टेट्रा अमाइन, क्लियर? तो ऐसे ही आप दे सकते हो नाम। चलो यहां पर तीन वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सी एच टू सी एच सी एच टू, यहां पर एनएच टू, यहां पर भी एनएच टू, यहां पर भी एनएच टू। नंबरिंग कहीं से भी दे दो, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तीन ही कार्बन है, तीनों को नंबर दे दो। अब तीन कार्बन के लिए क्या लिखना है? प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और एक से ज्यादा अमाइन है तो ई रहेगा एज इट इज। नंबर दे दो, ये वन, ये टू और ये थ्री, तो वन कोमा टू कोमा थ्री, नेक्स्ट ट्राई अमाइन, ये बन गया इसका नाम, क्लियर? चलो तो अब डाई लगा दिया मैंने, मान लो आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप दिए है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो मान लो आपको ऐसा दिया गया है, यहां पर दिया मैंने NH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां पर लगा दिया OH ग्रुप। अब इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या बनेगा? तो आयुपेक की जो फॉर्मूला थी हमारी, उसमें हमने लास्ट में क्या लिखा था? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का एक रूल है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है
तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको कहां लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी को लिखना है प्रेफिक्स की जगह पे। तो यहां पर मैंने आपको ट्रिक दिया हुआ है, वो ट्रिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिड ने एन एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, और लास्ट में आता है NH2 ग्रुप। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, एसिड ने, मतलब पहले दो एसिड लिखने हैं, एसिड ने N मतलब एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, एसिड ने, तो ये बन गया एसिड, एसिड ने N एस्टर को, मतलब एस्टर लिख दो, एस्टर को, एसिड ने N एस्टर को, एस्टर को मतलब COX, एसिड ने N एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो एल्डिहाइड ने कीटोन को, तो एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, और लास्ट में आता है अमाइन। मतलब इनमें से अगर एक से ज्यादा कोई भी ग्रुप है तो उनमें जो ऊपर है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको हम सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखेंगे, बाकी जो भी ग्रुप है उसको लिखेंगे प्रेफिक्स की जगह पे। तो अब यहां पर NH2 और OH है, प्रायोरिटी इसका ज्यादा है, मतलब इसको मिनिमम नंबर देना है, तो यहां पर नंबर दे दिया इसको 1, इसको नंबर दे दिया 2। अब इसको कहां लिखूंगा मैं, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे, इसको कहां पर लिखूंगा, प्रेफिक्स की जगह पे। तो जब NH2 ग्रुप प्रेफिक्स की जगह पे लिखा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, अमीनो, क्या लिखेंगे, अमीनो। चलो तो अब इसके लिए प्रेफिक्स लिखना है मुझे अमीनो, कौन से नंबर पे, 2 के ऊपर, तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर कुछ ऐसे बनेगा 2 अमीनो, ये बन गया प्रेफिक्स। साइक्लिक नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और सेकेंडरी सफिक्स ओएच जब होता है तो लिखते हैं ऑल, क्या लिखते हैं, ऑल। नंबर 1 पे है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सफिक्स, तो यहां पर जो ई आता है एन का वो मैंने पहले से निकाल दिया है। तो ऐसे आप किसी को भी नाम दे सकते हो, क्लियर। चलो अब ये लिस्ट में ऐसे ही रखता हूं। अब मान लो यहां पर आपको ऐसे ग्रुप्स दिए हैं जो CH3 CH NO2 CH2 NH CH3, तो यहां पर तो ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो यहां इस नाइट्रोजन अमाइन से ज्यादा प्रायोरिटी हो, जिसका नहीं है। तो ये ग्रुप है CH3, कहां पर लिखूंगा मैं, प्रेफिक्स की जगह पर। ये ग्रुप है NO2, कहां पर लिखूंगा, प्रेफिक्स की जगह पर। तो एक से ज्यादा जब भी प्रेफिक्स आ जाए, आयुपे क्या बोलता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट आता है उसको पहले लिखना है। तो ये है मिथाइल, ये है नाइट्रो, MN, तो ये लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले इसका नाम मैं ऐसे लिखूंगा, ये मिथाइल कहां पर अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या लिख दूंगा, N मिथाइल। फिर इसके लिए नाइट्रो लिखना है, लेकिन नाइट्रो है कहां पे, तो ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो ये 1, ये 2 और ये हो गया 3, ये 2 के ऊपर है, एन मिथाइल, फिर 2 नाइट्रो, कितने कार्बन है, 3, रूट वर्ड क्या लिखना है, प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए अमाइन, 1 अमाइन लिख दो या डायरेक्टली लिख दो अमाइन, हो गया। चलो और एक चीज, अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, किसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है अमाइन, ये कौन सा है, प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखा जाएगा। ये जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको कहां पर लिखते हैं हम, प्राइमरी सफिक्स की जगह पे,
तो प्रियोरिटी अब इन दोनों का देखें तो सेकेंडरी सफिक्स का प्रियोरिटी ज्यादा होता है, इसका प्रियोरिटी कम होता है। तो इन दोनों में इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग में कहां से दूंगा, इस नाइट्रोजन को मिनिमम मिले यहां से 1, 2 और 3। अब तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखना है, लिख दो प्रोप। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन प्रोप इन, लेकिन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच, तो मिनिमम कौन सा है 2, तो प्रोप 2 इन। फिर इसके लिए क्या लिखना है, अमाइन या फिर 1 अमाइन, कुछ भी लिख दो, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ई जो था पहले से हमने निकाल दिया है, क्लियर। तो ये हो गया एलिफेटिक अमाइंस का नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस किसको बोलेंगे, जहां पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक न्यूक्लियस से अटैच होगा या फिर कह दो बेंजीन से अटैच होगा। तो एरोमेटिक अमाइंस बिल्कुल ही सिंपल है, एरोमेटिक अमाइंस बेंजीन, इसके साथ है NH2। तो इसके लिए मैं लिखूंगा बेंजीन, सिंपल बेंजीन। इसके लिए लिखना है अमाइन, तो ये बन गया बेंजीन अमाइन, लेकिन ये A से स्टार्ट हो रहा है तो इस E को निकाल दो, तो इसका नाम बन गया बेंजीन अमाइन, E निकाल दो, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बन गया बेंजीन अमाइन। या फिर IUPAC ने इसका नाम एक्सेप्ट किया है, कौन सा, एनिलीन, तो आप इसको एनिलीन भी बोल सकते हो। अगर इसमें और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन में यहां पर COOH ग्रुप लगा दिया, यहां पर लगा दिया NH2 ग्रुप, यहां पर भी NH2 ग्रुप लगा दिया, तो अब NH2 COOH इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसका है, COOH का। तो COOH जहां पर अटैच है उस कार्बन को नंबर मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको 3 और इसको 4। तो ये 2 और 4 के ऊपर NH2 ग्रुप है, कहां पर लिखना है, प्रीफिक्स की जगह पर। क्यों लिखना है, क्योंकि इसका प्रायोरिटी कम है। इनमें से कोई भी दो आ जाए तो जो ऊपर है उसको हम सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर लिखेंगे और बाकी जितने भी ग्रुप्स है उसको कहां लिखेंगे, प्रीफिक्स की जगह पर। तो इसके लिए लिखना है एमिनो, इसके लिए भी एमिनो, तो 2,4-diamino। फिर इसके लिए बेंजीन, बेंजीन, और इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, COOH के लिए या तो ओइक एसिड लिखते हैं या लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड कब लिखेंगे, जब इस कार्बन को हमने काउंट किया है, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहां पर जो बेंजीन के कार्बन है उसको काउंट किए, इस कार्बन को काउंट नहीं किया, तो मैं क्या लिखूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से नंबर पे, 1 पे, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हो, बिल्कुल ही आसान है। लेकिन मान लो अगर ऐसा दिया गया है, ये NH2 है, इसके साथ यहां पर CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप को हम ऑलवेज कहां पर लिखते हैं, अल्काइल को, प्रीफिक्स की जगह पे। तो अब नंबर दे दो इसको, नाइट्रोजन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ये 1, ये 2 और 3, ये प्रीफिक्स की जगह पे लिख दो, 3-methyl, ये हो गया प्रीफिक्स। अब ये कौन सा ग्रुप है, बेंजीन, 3-methyl बेंजीन, और इसके लिए क्या लिखना है, अमाइन। तो ये बन गए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, या फिर बन लिख दो 3-methyl और इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, एनिलीन, तो ये भी नाम लिख सकते हो 3-methyl एनिलीन, क्लियर। अब ये मिथाइल यहां पर है, मान लो यहां पर दे दिया आपको, तब आप इसका नाम क्या लिखोगे, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से,
तो अब नंबरिंग तो यहाँ देनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मिथाइल ग्रुप प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है, लेकिन किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या लिख दूंगा मैं? एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, या फिर लिख दो एन मिथाइल एनिलीन, या फिर लिख दो एन मिथाइल एनिलीन। क्लियर है? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। अब मैं इस बेंजीन के साथ दो मिथाइल लगा देता हूं, CH3 और CH3। बताओ क्या नाम लिखूंगा मैं? एन के साथ मिथाइल, एन के साथ मिथाइल, क्या लिखना है? एन एन डाई मिथाइल, और इसके लिए एनिलीन लिख दो या फिर बेंजीन अमाइन लिख दो। चलो मैं इस बार एनिलीन लिख देता हूं, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। एनिलीन लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। चलो यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये सभी में बेंजीन के साथ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच था, तो ये एरोमेटिक अमाइंस थे। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया गया बेंजीन, उसके बाद CH2, चलो एक ही कार्बन रख, और यहां पर लगा दिया NH2, तो अब ये एरोमेटिक अमाइन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसको बोलते हैं एराइल अल्काइल अमाइन। क्या है ये? एराइल अल्काइल अमाइन। ये नाइट्रोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ऐसा जब भी आ जाए कि नाइट्रोजन डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है, तो यहां पर नाइट्रोजन जिसके साथ अटैच है वो हमारा मेन चेन बनेगा, वो हमारा पेरेंट चेन बनेगा। तो ये नाइट्रोजन इसके साथ अटैच है, तो ये एक ही कार्बन वाला रूट वर्ड बन गया मेरा। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं? मिथ, फिर एन, और लास्ट में क्या लगाना है? अमाइन, मिथेन अमाइन। तो ये बाकी रह गया, इसको मैं कहां पर लिखूंगा? प्रेफिक्स की जगह पे। और ये ग्रुप जब प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फिनाइल। क्या लिखते हैं? फिनाइल। कौन से नंबर पे? 1, तो ये 1 फिनाइल। क्लियर? तो यहां पर गलती नहीं करनी है। तो यहां पर कभी कभी हम बेंजीन लिखते हैं, कभी कभी फिनाइल लिखते हैं, तो बेंजीन लिखना है या फिनाइल लिखना है, वो डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको रूल बता देता हूं। शॉर्ट में रूल क्या है कि अगर मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसके लिए बेंजीन लिखना है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप और बेंजीन के बीच मिनिमम एक कार्बन आ गया, तो इसके लिए फिनाइल लिखना है। उसमें एक एक्सेप्शन है। क्या बोला मैंने? एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है? कीटोन। मतलब कीटोन में ऐसा नहीं होता, बाकी सब में ऐसा होता है। तो जैसे कि मान लो यहां पर है CH2, CH, NH2, यहां पर लगा दिया CH3, तो यहां पर शायद ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इसके लिए क्या लिखना है? फिनाइल। इसका नाम लिखना है मुझे, तो 1, 2, 3 कार्बन वाला चेन है। इस NH2 को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, इसको तो 2 ही मिलेगा, इसको 1 दो या इसको 1, तो इसको मिनिमम नंबर मिले उस हिसाब से नंबरिंग दे दो। अब प्रेफिक्स क्या लिखूंगा मैं? 1 फिनाइल, ये प्रेफिक्स। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, फिर एन, फिर अमाइन, तो ऐसे नाम लिख सकते हो। एक्सेप्शन लिखा मैंने कीटोन, मतलब कीटोन में क्या है, अगर बेंजीन, बाकी सब में क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, तब भी हम इसके लिए क्या लिखते हैं? फिनाइल। बाकी सब में क्या करते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप और इस बेंजीन के बीच एक कार्बन है, तो इसके लिए फिनाइल लिखते हैं। यहां पर एक कार्बन नहीं है,
यहां पर एक कार्बन होता ऐसे, सॉरी एक कार्बन नहीं है ऐसे, तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, बेंजीन अमाइन। लेकिन यहां पर ये कार्बन डायरेक्टली इसके साथ अटैच है, तब भी इसको नंबर वन देना है, इसको नंबर टू देना है, और इसके लिए क्या लिखना है, फिनाइल। तो क्या नाम बनेगा इसका, प्रेफिक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, वन के ऊपर फिनाइल, वन फिनाइल। फिर दो कार्बन के लिए इथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ऑन, कहां पर, वन के ऊपर। क्लियर? तो यहां पर हमने अमाइंस का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब आपको कोई भी अमाइन दिया जाए, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, आप उसका नाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वार्टरनरी अमाइन का सोल्ट दिया जाए तो आप कैसे नाम दोगे, चलो वो भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया C6H5N, इसके साथ तीन CH3 ग्रुप लगा दिए मैंने। नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। कितने ग्रुप है, तीन, तो इसके लिए मिथाइल लिखना है, इसके लिए लिखना है फिनाइल, कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो मैं क्या लिखूंगा, फिनाइल और मिथाइल, MNOP। तो पहले मिथाइल लिखना है, कितने हैं, तीन, तो मैं इसका नाम ऐसे लिखूंगा, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। इसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में लिखना है फिनाइल, ट्राई मिथाइल फिनाइल। और इसके लिए लिखना है अमोनियम, अमोनियम। पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो लास्ट में क्या ऐड करना है, ओनियम, राइट, या फिर यम। अमोनिया था तो उसमें यम ऐड कर दिया हमने। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ नेगेटिव चार्ज भी कुछ होगा, मान लो Br है, तो मैं लिख दूंगा अमोनियम ब्रोमाइड। क्लियर? ऐसे आप सोल्ट को भी नाम दे सकते हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी आपको याद रह गया होगा, याद नहीं रहता है तो जैसे डॉक्टर हमें दवाई देते हैं ना कि ये तीन दिन के लिए गोली खाओ, बस ऐसे ही सुबह, दोपहर और शाम, ये ट्रिक आप तीन दिन तक बोलते रहो, याद रह जाएगा। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस का नोमेनक्लेचर हमने खत्म किया। अब नाइट्रो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। नाइट्रो, तो नाइट्रो में भी एलिफेटिक होगा और एरोमेटिक। एलिफेटिक नाइट्रो है, एलिफेटिक, एलिफेटिक नाइट्रो किसको बोलेंगे, जहां पर NO2 ग्रुप बेंजीन से अटैच नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये है CH3, CH2, NO2, इसको बोलेंगे एलिफेटिक अमाइन। और NO2 को ऑलवेज कहां पर लिखना है, प्रेफिक्स की जगह पे, नंबरिंग दे दो 1 और 2। 1 के ऊपर कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, तो ये बन गया 1 नाइट्रो। दो कार्बन के लिए इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स तो है ही नहीं, तो ये नाइट्रो इथेन लिख दो या 1-नाइट्रो इथेन लिख दो, दोनों ही चीजें सेम है। एरोमेटिक में क्या करना है, बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप अटैच है तो आगे लिखना है नाइट्रो, फिर लिखना है बेंजीन। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मान लो इसके साथ कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि यहां पर OH ग्रुप है, यहां पर NO2 है, तो बीच NO2 को तो प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है लेकिन नंबरिंग भी लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप ये OH है तो इसको नंबर 1 देना है, इसको नंबर 2 देना है। अब बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं फिनॉल, ये IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है फिनॉल, तो इसके लिए फिनॉल लिख दिया। अब NO2 ग्रुप बाकी रह गया, कहां पे लिखना है मुझे, 2-2-नाइट्रो फिनॉल। तो नाइट्रो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बिल्कुल ही सिंपल है। अब बात करते हैं नाइट्राइल्स की। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसान है। चलो नाइट्राइल,
सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके लिए क्या लिखते हैं? कभी कभी हम लिखते हैं नाइट्राइल, कभी कभी इसके लिए हम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, कभी कभी इसके लिए लिखते हैं साइनो, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। चलो ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी पहले एलिफेटिक होगा और एरोमेटिक होगा। अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है सीएन तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक नाइट्राइल, बेंजीन नहीं है तो उसको बोलेंगे एलिफेटिक नाइट्राइल। तो एलिफेटिक का पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो सी एस थ्री सी एस टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे दिया गया है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, कार्बन कितने हैं। यहां पर सी एन फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर वन देना है, टू और थ्री, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखना है, प्रो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सभी, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन नहीं देखना है, कार्बन कार्बन, तो क्या लिखूंगा एन। और अब सी एन के लिए सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लास्ट में लिखना है नाइट्राइल, तो ये एन से स्टार्ट हो रहा है तो ये ई एज इट इज रहेगा, निकालना नहीं है, क्लियर। चलो मान लो चार कार्बन ले लिए, सी एस थ्री सी एच सी एस टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहां पर मैंने लगा दिया सी एच थ्री ग्रुप। तो अब इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए नंबर वन, इसके लिए टू, इसके लिए थ्री, इसके लिए फोर। ये कौन से नंबर पे है, थ्री पे। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। कहां लिखना है, प्रेफिक्स की जगह पे लिख दो। तो सबसे पहले मैं प्रेफिक्स लिखूंगा थ्री मिथाइल, फिर कितने कार्बन है, चार, तो रूट वर्ड क्या लिखना है, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन और सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, क्लियर। तो नाइट्राइल कब लिखना है डिस्कस कर लिया हमने। अब मान लो साइक्लिक कंपाउंड आ गया, पांच कार्बन है, यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिया गया है, तो रूल के हिसाब से अब मैं इस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, अब इसको मेरा मेन चेन बोल दूंगा, इसको नंबर दे दूंगा वन टू थ्री फोर और फाइव, तो ये मेरा रूट वर्ड बन गया, साइक्लिक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइक्लो, रूट वर्ड पांच कार्बन के लिए पेंट, कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड एन एन, और इसके लिए क्या लिखूंगा, नाइट्राइल। लेकिन इसके लिए नाइट्राइल कब लिखते हैं, जब इस कार्बन को हमने लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया था, यहां देखो इस कार्बन को हमने लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया था, यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, तो इस नाइट्राइल के आगे कार्बन मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी इसका पूरा नाम बनेगा। क्या बोला, ये पांच कार्बन को हमने यहां इंक्लूड कर दिया साइक्लोपेंटेन में, इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं नाइट्राइल लिखता हूं तो इसको इंक्लूड कर दिया है, नाइट्राइल नहीं लिखूंगा मैं, नाइट्राइल के आगे कार्बन ऐड कर दूंगा, तो मैं इसके लिए अब लिखूंगा कार्बो नाइट्राइल, कार्बन ऐड कर देता हूं नाइट्राइल में, कार्बो नाइट्राइल। तो मोस्टली क्या होता है, कार्बो नाइट्राइल कब लिखते हैं, जब आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक हो। और एक एग्जांपल, मान लो बेंजीन के साथ सीएन है, क्या नाम लिखूंगा मैं, बेंजीन नाइट्राइल, नहीं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, क्लियर। मान लो यहां पर एक NO2 ग्रुप लगा दिया, तो NO2 ग्रुप प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं नंबरिंग, इसको या फिर इसको मिनिमम, इसको, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नाइट्रो कहां पर है, तीन के ऊपर, तो ये बेंजीन का बी स्मॉल कर दो, आगे लिख दो थ्री नाइट्रो, तो ये नाम बन गया थ्री नाइट्रो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो ऐसे ही आप किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड को नाम दे सकते हो। तो यहां तक हमने क्या किया, सभी में एक ही फंक्शनल ग्रुप लिया था सीएन, ये तो प्रेफिक्स वाला है, लेकिन अगर जो मैंने यहां पर लिस्ट बनाया था उनमें से कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रायोरिटी सीएन से ज्यादा है, तो सीएन को हम लिखेंगे एज
प्रेफिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कुछ है मेरे पास CH3CH, यहां पर लगा दिया मैंने CN, एक और कार्बन बढ़ा देता हूं, यहां पर लगा दिया मैंने COOH। तो अब COOH और CN इन दोनों में प्रायोरिटी इसका ज्यादा है, तो इसको नंबर वन दे दिया, इसको नंबर टू, इसको नंबर थ्री और इसको नंबर फोर। तो इसका नाम क्या बनेगा, चार कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और COOH के लिए ऑइक एसिड अभी हमने लिखा था। अब ये CN जो बाकी रह गया, फिर से एक बार रूल क्या है, अगर दो मेन फंक्शनल ग्रुप है या दो से ज्यादा है तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखेंगे, बाकी जितने भी है उसको प्रेफिक्स की जगह पे लिखेंगे। मान लो प्रेफिक्स दो या दो से ज्यादा है तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको प्रेफिक्स की जगह पे पहले लिखना है। क्लियर। चलो अब इसको नाम देना है, क्या नाम दूंगा इसको मैं, CN के लिए साइनो, प्रेफिक्स की जगह पे कौन से नंबर पे, टू साइनो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, फिर N, फिर ऑइक एसिड, और ये O से स्टार्ट हो रहा है तो यहां लास्ट में जो E आता है वो मैंने निकाल दिया है। क्लियर। तो ये हो गया नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर। नाइट्राइल के लिए कभी हम लिखेंगे नाइट्राइल, कभी लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, कभी लिखेंगे साइनो। अब नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन के चार बॉन्ड, उसके ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, मान लो ऐसा कुछ दिया गया है CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो एज पर 2013 रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, तो 2013 के रूल के हिसाब से ये N ट्रिपल बॉन्ड C है उसको प्रेफिक्स की जगह पे लिखा जाता है, और उसके लिए लिखा जाता है आइसो साइनो, वो साइनो था या आइसो साइनो, और लिखना है कहां पर, 2003 के हिसाब से प्रेफिक्स की जगह पे। तो इसका नाम इसके लिए मैं लिख दूंगा आइसो साइनो, और यहां पर कार्बन एक है तो क्या लिखूंगा, आइसो साइनो, फिर मिथ और एन, तो इसका नाम बन गया आइसोसाइनो मीथेन एज पर 2013 रिकमेंडेशन। मान लो बेंजीन के साथ अटैच है CN ग्रुप, बेंजीन के साथ अटैच है, एरोमेटिक आइसोनाइट्राइल है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसको लिख दो आइसोसाइनो, फिर पीछे लगा दो बेंजीन। क्लियर। लेकिन इससे पहले 2013 के रूल से पहले जो रूल्स थे उस रूल्स में IUPAC में लिखते थे, क्या लिखते थे IUPAC में, अल्केन आइसो नाइट्राइल, और कॉमन में लिखते थे अल्काइल आइसो साइनाइड। तो ये एज पर 2013 ये नाम बनेगा आइसो साइनोमीथेन। चलो अब इसको निकाल देता हूं मैं, एज पर प्रीवियस रूल अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो इसका नाम क्या बनेगा। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, यहां पर कार्बन कितने हैं, वन और टू कार्बन। तो इसके लिए अल्केन आइसोनाइट्राइल IUPAC लिखना है मुझे, तो इसका IUPAC क्या बनेगा, एक कार्बन के लिए मिथ, फिर N, और लिख दो आइसो नाइट्राइल, इसका नाम क्या बनेगा IUPAC, इसका IUPAC नाम क्या बनेगा,
दो कार्बन है, लिख दो इथ, सिंगल बॉन्ड एन, और इसके लिए आइसो नाइट्राइल। कॉमन नोमेनक्लेचर लिखना है तो अल्काइल आइसोसाइनेट, तो इसका कॉमन लिख दो, क्या बनेगा, कितने कार्बन है यहां पर, एक कार्बन, एक के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल। फिर इसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में आइसो साइनाइड, इसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में दो कार्बन एज इट इज, अल्काइल मतलब इथाइल, फिर आइसो साइनाइड, तो ये बन गया कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर में एक कार्बाइल अमाइन वाला भी यूज करते हैं कि इस कार्बन, इसके लिए लिखते कार्बाइल अमाइन। तो कार्बाइल अमाइन आयुपेक में भी लिखा जाता था पहले और कॉमन में भी लिखा जाता था। आयुपेक में अगर कार्बाइल अमाइन लिखना है तो मैं लिखूंगा मीथेन कार्बाइल अमाइन, आयुपेक में अल्केन कार्बाइल अमाइन। कॉमन नोमेनक्लेचर में लिखना है तो मैं लिखूंगा अल्काइल कार्बाइल अमाइन, तो कॉमन नोमेनक्लेचर इसका दूसरा क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बाइल अमाइन, और उसका कॉमन नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथाइल कार्बाइल अमाइन। तो यहां हमने ये चारों फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर डिटेल में डिस्कस किए। अभी भी आपको यहां पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी एक चीज, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए कभी भी तो ये सेकेंडरी सफिक्स का जो प्रायोरिटी है आपको याद रखना ही रखना है। वो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या था, सबसे पहले एसिड और सबसे लास्ट में NH2 ग्रुप। ट्रिक क्या था, एसिड ने एन एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो आल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया और लास्ट में अमाइन। क्लियर। चलो तो ये हमारा पहला लेक्चर था। अब दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमाइन्स डिटेल में। थैंक यू।